तो आइए हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने बंगाल के बारे में बात किया कि किस तरह से ब्रिटिश, सबसे पहले हम लोगों ने ब्रिटिश की एंट्री कराई थी इंडिया में, ठीक है। फिर हम लोगों ने इंडिया में दो पावर देखी थी, पहला यूरोपियन पावर और प्रिंसली स्टेट। तो किस तरह से उन्होंने क्या किया, यूरोपियन पावर को हटाया, ठीक है। यूरोपियन पावर में कौन कौन थे, डच थे, पोर्तुगीज थे, फ्रांस थे, ठीक है। जैसे इनको यहाँ से हटाया गया, उसके बाद उन्होंने प्रिंसली स्टेट पे हमला बोलना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि इन दोनों पावर को क्या करना चाहते थे, एलिमिनेट करना चाहते थे, हराना चाहते थे, ठीक है। पहले तो एलिमिनेट किसको इसको किया, फ्रांसी, यूरोपियन पावर जो जो थे उनको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। यूरोपियन पावर में कौन कौन थे मैंने आपको बता दिया, और अगर आपने वो सारी चीजें नहीं देखी हुई है जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो पहले आप पिछले वीडियो देख के आइए, क्योंकि पिछला वीडियो देखेंगे तो ही आगे मजा आएगा, नहीं तो यहाँ से पढ़ोगे आप फिर आप बोलोगे समझ में नहीं आया कुछ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आधे से ही है, ठीक है। तो आप पहले से देख के आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, एलिमिनेट किया था किसको, यूरोपियन पावर को। फिर यूरोपियन कंट्री जब यहाँ से हट गई, फिर वो प्रिंसली स्टेट पे हमला बोल दिया। प्रिंसली स्टेट में चार महत्वपूर्ण लोग थे, महत्वपूर्ण राजाएं थे, ठीक है। चार महत्वपूर्ण वंश शासन चलते थे यहाँ पे, कौन कौन थे वो, मराठा थे, सिख थे, ठीक है, मैसूर और बंगाल। तो बंगाल को किस तरह से कब्जे में किया, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध करके, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। और हमने पूरी तरह से पूरे बंगाल को क्या कर लिया, हस्तक्षेप कर लिया, कवर कर लिया। उसके बाद हम लोग मैसूर की बात कर रहे थे, तो आज से मैं मैसूर पढ़ाऊंगा। अब हम देखेंगे कि मैसूर में किस तरह से उन्होंने हमला बोला, ठीक है, किस तरह से मैसूर में एंट्री की, मैसूर को पूरी तरह से कब्जे में किया। उसके बाद उनका सबसे बड़ा पावर मराठा होता है, फिर मराठा को किस तरह से हराते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और फिर सिख का, जिसे ये तीनों हम देख के फिर हम पूरी तरह से भारत के अंदर ब्रिटिश की एंट्री करा के पूरी की पूरी कब्जे, जो भी इंडिया है किसके कब्जे में हो जाएगा, ब्रिटिश के। इसके बाद हम बात करेंगे 1857 तक सिर्फ और सिर्फ आजादी में किस तरह से भारत ने मूवमेंट किया, किस तरह से आजादी की तरफ आगे बढ़े। फिर 1957 का रिवॉल्ट होगा, फिर हम लोग गांधी जी की एंट्री 1915 में देखेंगे, किस तरह से गांधी जी इंडिया में एंट्री करते हैं, और एंट्री करते हुए क्या क्या कौन सी आंदोलन कहाँ कहाँ पे कराते हैं। उसके बाद 1947 में देश को आजाद करा देंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मैसूर, कि मैसूर को किस तरह से कब्जे में किया गया। तो मैसूर की अगर बात करता हूँ, तो मैसूर का जो राजा था हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये बहुत ज्यादा क्या थे, महत्वपूर्ण थे, ठीक है, इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण राजा थे। क्योंकि ये राजा जो थे वो बहुत ज्यादा साहसी और वीर थे। अगर इंडिया में उस समय अगर एकता होती थी, और अगर मराठा निजाम शाही ये दोनों पावर अगर मिलके ब्रिटिश को उसी समय भगाए होते, उसी समय अगर उनसे वॉर किए होते, तो आज ये नौबत नहीं आई होती कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर 200-250 साल तक राज किया हुआ, आज का इतिहास कुछ अलग होता था, ठीक है। बट उस समय हमारे देश में बहुत ज्यादा लालच थे, लोग सिर्फ राजा बनने के बारे में सोचते थे, दूसरा कौन क्या सोच रहा है उसके बारे में उनको कुछ मतलब नहीं था, उनको सिर्फ इसको हरा के इसका राज्य अपने हम ले लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, हड़प लेंगे, हमारा साम्राज्य बड़ा हो जाएगा, सिर्फ इतना ही सोचते थे वो, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने किस तरह से मैसूर को अपने कब्जे में किया। तो मैसूर को कब्जे में करने के लिए चार युद्ध लगे, ठीक है, चार वॉर किया उन्होंने ब्रिटिश ने। मैंने आपको बताया वो पहले वाले ही क्या करते थे, अपने शेड्यूल को अपनाते थे, उनका जो ट्रेंड चलता था, वॉर करो ट्रीटी करो, वॉर करो ट्रीटी करो, सिर्फ और सिर्फ यही, वॉर करके थोड़ा सा कमजोर करते थे, उनकी बारीकी समझते थे, और फिर पहले ही वॉर में ट्रीटी कर लेते थे, सेकंड टाइम उस जो उनकी कमजोरी है उस पर वॉर करते थे, और अगर वो भी नहीं हो पाया तो थर्ड वॉर करेंगे, ऐसे धीरे 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 करके पूरी तरह से कमजोर करके, और फाइनली जब कमजोर हो जाते थे तो उनके साथ ट्रीटी करके उनको समाप्त कर देते थे। किसी को भी उन्होंने आज तक पहले वॉर में नहीं हराया हुआ, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं थी वो किसी को पहले वॉर में हरा दे। ऐसे कंटिन्यू वो कम से कम 3-4 वॉर करते थे, तब जाके वो किसी को हरा पाते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे देखा जा सकता है, हम इनसे इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं, इंस्पायर भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ ना होके, बहुत कम सेनाएं होती थी, इनके पास कुछ ना होके भी भारत जैसे कंट्री को कब्जे में कर लिया। तो आप समझ रहे हैं कौन सी चीज है ये, ठीक है। तो मैसूर जैसे राजा, मैसूर जैसे स्टेट को कब्जे में कर लेना मतलब उस समय आसान नहीं था, ठीक है। तो देखिए किस तरह से ब्रिटिश ने हमला करके चार पावर में कब्जे में किया। आइए स्टार्ट करते हैं। मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान यहाँ के दो महत्वपूर्ण राजा थे, हैदर अली, उनका लड़का टीपू सुल्तान, हैदर अली जो स्थापक थे और टीपू सुल्तान जो के उनका लड़का था। आइए स्टार्टिंग से बात करते हैं। 1565 में तालीकोटा युद्ध, ठीक है, 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसमें विजयनगर का विघटन हो जाता है। आप इसको मेडिवल हिस्ट्री में अच्छे से देखेंगे, लेकिन मैं अभी मैसूर पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। तो 1565 में जब तालीकोटा का युद्ध होता है,
तो इसमें विजयनगर बहुत भागों में बढ़ जाता है, उनमें से एक होता है मैसूर, उनमें से एक क्या होता है मैसूर। तो इस मैसूर तालिकोटा के युद्ध में जब विजयनगर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसका ये पार्ट होता है मैसूर, और उसी मैसूर पे अगर बोला जाए तो उस समय वाडियार डायनेस्टी राज करती थी। वाडियार डायनेस्टी, तो वाडियार जो डायनेस्टी थी, जो वाडियार वंश था, वंश, ठीक है। देखो मेरा जो वीडियो होता है वो इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो आप हिंदी मीडियम के तो आप डरिए मत, मैं सारी चीजें हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में तो मैंने लिखी दिया है, ठीक है। चलिए, तो वाडियार डायनेस्टी, वाडियार वंश उस समय वहां पे राज करता था, कहां पे, मैसूर पे, ठीक है। तो वाडियार वंश का, वाडियार डायनेस्टी का सबसे मेन प्रमुख उस समय का अंतिम राजा जो था वो कौन था, चिक्का कृष्णा राजा। कौन था, चिक्का कृष्णा राजा। चिक्का कृष्णा राजा के बाद ये दोनों जो मैसूर का जो पावर होता है इन दोनों के हाथ में आ जाता है, किसके, देवराज और नंजराज, नंजराज और देवराज के हाथ में पावर आ जाती है। उसी समय यही एक वो मोमेंट था जब हैदर अली आके नंजराज से मिल जाते हैं, नंजराज के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। हैदर अली इसी समय नंजराज की टीम में आके मिल जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं नंजराज को, और जब वो ज्वाइन कर लेते हैं नंजराज को तो वो इतने साहसी होते हैं, इतने ज्यादा साहसी होते हैं कि इनकी जो हिम्मत होती है, इनका जो पावर होता है, ये हैदर अली देख के इनको क्या करता है, आर्मी ऑफिसर बना देता है। क्या करता है, आर्मी ऑफिसर, हैदर अली को आर्मी ऑफिसर, नंजराज आर्मी ऑफिसर बना देता है 1760 में आर्मी ऑफिसर बना देता है। किसको, हैदर अली को, कौन, नंजराज। इसके बाद जब नंजराज की डेथ हो जाती है उसके बाद पूरा का पूरा पावर कौन संभालता है, हैदर अली संभालना स्टार्ट कर देता है। अब यहां से हैदर अली की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये तो बैकग्राउंड था, अब हैदर अली यहां से ज्वाइन कर लेते हैं किसको, मैसूर को, ठीक है, और पूरी तरह पूरी मैसूर की पावर जो थी इनके हाथ में आ जाती है। मैंने आपको बताया चार वॉर लगे थे, चार युद्ध लगे थे एंग्लो ब्रिटिश मैसूर को कब्जे में करने के लिए, ब्रिटिश को कितने वॉर लगे थे, चार वॉर लगे थे। इनको नाम बोला जाता है एंग्लो मैसूर वॉर, क्या बोला जाता है, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर। अब देखिए यहाँ पे ब्रिटिश की चापलूसी किस तरह से उनको माइंड लगाते हैं इसको हराने में। देखिए चार वॉर हुआ था, पहले वॉर में हैदर अली जीत जाता है, सेकंड थर्ड फोर्थ में बुरी तरह से हैदर अली हार जाता है। तो पहला जीता, दूसरा हारा, तीसरा हारा, चौथा हारा। तो जब दूसरा हारा उसी पे तीसरा वॉर कर दिया, जब तीसरे में एकदम, तो चौथे में खत्म ही कर दिया। ये उनकी चालाकी होती थी। अब देखिए पहले वॉर में क्या हुआ था, ठीक है, चार वॉर हुए थे एंग्लो मैसूर में। फर्स्ट एंग्लो मैसूर 1766 से लेके 69 तक हुए थे, 1766 से लेके 69, ज्वाइन कब किया था 1760 में, 66 में 69 तक वॉर किया था। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1780 से 84 तक सेकंड एंग्लो मैसूर हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर कब हुआ था, 89 से लेके 93 तक, 92 से लेके 92 तक। और फिर फाइनली जो वॉर होता है टीपू सुल्तान के साथ में वो होता है 1799 का, 1799। इसी में उनका लड़का टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और एक बड़ा साम्राज्य मैसूर जैसा राज्य किसके हाथ में चले जाता है, ब्रिटिश के हाथ में चले जाता है, ठीक है। ये फाइनल वॉर होता है एंग्लो मैसूर वॉर 4, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं एक एक वॉर की और एक एक स्टेप थोड़ा सा डीपली हम समझेंगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 से लेके 69 तक। आप डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डेट आप याद रखेंगे, ये डेट्स क्या हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन डेट्स को आप क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 से लेके 1769 ये हुआ था एंग्लो मैसूर का वॉर। अब जब एंग्लो मैसूर का वॉर स्टार्ट हुआ उसी समय देखिए ब्रिटिश को यह बात पता थी कि मेरी जो सेनाएं हैं, मेरी जो टीम है वो बहुत कमजोर है कंपेयर देन हैदर अली के। हैदर अली की जो सेनाएं थी वो यूरोपियन पावर से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी, क्यों, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ट्रेन करते थे, इस तरह से ट्रेन करते थे कि आगे चल के अगर कोई भी हमारे ऊपर हमला करे तो वो हमसे जीत ना पाए, इसलिए अपने आर्मी को वो यूरोप से लोगों को बुला के ट्रेन कराता था, बाहरी कंट्रियों से उनको ट्रेन करता था, ठीक है। तो ये बात हैदर अली को पता चल जाती है कि बाहरी से लोगों को क्या करता है, ट्रेन करता है अपने आप लाके। तो ये सब सारी चीजें जब ब्रिटिश को पता चली तो ब्रिटिश ने हमला करना स्टार्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये कंटिन्यू इसी तरह से चलता रहा तो एक समय आएगा कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर इसको हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसी समय उसने ठान लिया कि अब हम मैसूर को खत्म करेंगे,
और फिर भी जिस लेवल पे उस समय हैदर अली था उस समय भी उसको हराना इम्पॉसिबल था। तो उसने क्या किया, सबसे पहले वहां के निजाम हैदर अली के निजाम को और मराठा, हैदर अली का निजाम जो था वो उसका जो लिमिट थी मतलब उसकी जो सीमाएं थी वो मैसूर से मिलती जुलती थी, ठीक है। तो उसको भी डर लगता था कि ये जो पावर है मैसूर का, मैसूर जो है टीपू हैदर अली वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, एक समय आएगा कि ये मेरे ऊपर अटैक करके ही मुझे हरा ना दे और हैदराबाद को अंदर ना ले ले, मतलब मैसूर में ना मिला ले। क्यों? क्योंकि उस समय वो टीपू सुल्तान हैदर अली उस तरह का राजा था भी, वो अटैक करके अपने जो साम्राज्य को एक्सपांशन कर रहा था, बढ़ा रहा था, ठीक है। ये बात किसको डर लगता था, निजाम के हैदर अली को, ठीक है, सॉरी हैदराबाद के निजाम को, हैदराबाद के निजाम को ये डर लगता था कि कहीं अगर हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हमारा पूरा का पूरा साम्राज्य ये अपने मैसूर में मिला सकता है। इस बात को लेके वो अंग्रेजों से जाके मिल गया, अंग्रेजों ने उसको बोला कि आपका भी ये दुश्मन है मेरा भी दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ठीक है। तो अब निजाम को मिला लिया ब्रिटिश, दो टीमें खड़ी हो गई। अब मराठा को भी ये बात खलती थी कि उसका एक्सपांशन हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और वो भी जाके वहां पे मिल गया किससे, ब्रिटिश से। मराठा निजाम ये सिचुएशन के हिसाब से रहते थे, मराठा निजाम कहते सिचुएशन के हिसाब से रहते थे। आज सिचुएशन अगर बुरी है तो जाके ब्रिटिश से मिल जाते थे, अगर सिचुएशन अच्छी है, अगर सिचुएशन उनको लगता था कि हमारे फेवर में है तो जाके टीपू सुल्तान से मिल जाते थे। तो ये कभी कभी ब्रिटिश के साइड से लड़ते थे, कभी टीपू सुल्तान के साइड से लड़ते थे। तो इनका जो जीवन था इसी तरह से था, मैंने आपको बताया ना, एकता नहीं थी बिल्कुल। इनको जैसे लगता था कि हमारा फायदा हो रहा है तो हम उनके साथ लड़ेंगे, इधर इनके साथ हमारा फायदा हो रहा है तो इनके साथ लड़ लेंगे। ये हमारे इंडियन की खासियत थी उस समय, ठीक है। तो ब्रिटिश ने निजाम को और मराठास को मिला लिया, एक टीम पूरी बना ली, और हैदर अली यहां पे अकेला। अब आप सोचिए, हैदर अली एक साइड पे निजाम, ब्रिटिश, मराठा, तीन टीमें खड़ी थी। मराठा टीम उस समय छोटी नहीं थी, निजाम की टीम उस समय छोटी नहीं थी, ब्रिटिश की टीम छोटी थी, बट अब उसके हिसाब से छोटी नहीं है वो। इन तीनों टीम और ये हैदर अली यहां पे अकेला, वॉर होता है 66 से लेकर 69 तक, जीतता कौन है, हैदर अली वन द वॉर, हैदर अली जीत जाता है। सोचिए आप कितनी बड़ी पावर होगी हैदर अली उस समय की, हैदर अली उस समय मैसूर का कितना बड़ा पावर होगा, उसने इन तीनों टीम को मिला के हरा दिया। अगर उस समय निजाम और मराठा हैदर अली का साथ दे देते तो शायद ब्रिटिश इंडिया में ना होता था, क्योंकि अगर ये एकता मिल जाती थी तो ब्रिटिश शायद उस समय निकल ही जाता था। मैं तो ऐसा कंफर्म बोल नहीं सकता, बट शायद इतिहास हमारा कुछ अलग होता था। आप सोचिए अगर इन तीनों टीम को अगर मिला के इसने हरा दिया तो कितनी पावर होगी उसके अंदर, ठीक है। तो हैदर अली वॉन द वॉर, बट ये वॉर जीतने के बाद उनकी हालत थोड़ी सी वीक हो जाती है, क्योंकि तीन तीन टीमों को हराना मतलब बहुत ज्यादा कठिन कार्य होता है। तो उन तीनों टीम को हराने के बाद हैदर अली जीत जाते हैं, बट वो बहुत अंदर से कमजोर हो जाते हैं, जिसको प्रिपेयर करने में उनको कम से कम 8 से 9 साल तो लगने वाले थे, बट 8 से 9 साल ब्रिटिश ने लगने ही नहीं दिया। 69 और फिर उसके बाद उसने 80 से स्टार्ट किया, टाइम था उसके पास, बट कैसा उतना टाइम नहीं था कि वापस से अलग आर्मी बनाए और वापस उनको अलग ट्रेन कराए, ठीक है, अधिक ज्यादा समय उनको नहीं दिया उसने, ठीक है। और 1780 में सेकंड एंग्लो मैसूर कर देता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 69 80 84, इसके बीच में इनके 69 और 80 के बीच में ब्रिटिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, ब्रिटिश ने अपनी सेनाओं को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लिया था, ठीक है, हद से ज्यादा स्ट्रांग कर लिया था, क्योंकि उसको अब हैदर अली के वीकनेस के बारे में पता था, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो जब हैदर अली यहाँ पे जीत जाता है तो ट्रीटी साइन करते हैं नियर मद्रास, मतलब जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ मद्रास। एग्जाम में कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ट्रीटी ऑफ मद्रास कौन से वॉर में हुआ था, तो एंग्लो मैसूर वॉर में, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हुआ था, जो 1767 से 69 तक, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में होता है ब्रिटिश और मैसूर, मैसूर कौन हैदर अली के बीच में होता है, हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ मद्रास क्या था, ट्रीटी ऑफ मद्रास में यही था कि जितने भाग हमने जीते हैं वो आपको दे देते हैं आपके भाग, और जितने भाग आपने हमारे जीते हैं, जो भी पार्ट्स हमारे हैं उसको हमको दे दो और अपने पार्ट्स को तुम ले लो। तो ये हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास में, ठीक है। तो ये हमारा था ट्रीटी ऑफ मद्रास, यहाँ पे ये पहला वॉर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है।
अब यहाँ पे कमजोरी पता चल जाती है ब्रिटिश को मैसूर की। इसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब होता है? 1780 में, 1784 में। अब यहाँ पे ब्रिटिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ब्रिटिश सीज द फ्रेंच पोर्ट माहे, जो माहे बंदरगाह होता था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था किसके लिए? मैसूर के लिए, क्योंकि यहीं पे उसका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था बहुत ज्यादा होता था माहे पे। तो ये बात किसको खलने लगी? आप एंग्लो सॉरी मैसूर को, हैदर अली को बुरा लगा कि ये क्यों यहाँ पे फ्रांसी, ये फ्रांस का था बट माहे इंपॉर्टेंट था मैसूर के लिए। जानबूझ के उसने क्या किया, यहाँ पे माहे को सीज कर दिया ताकि ये टीपू सुल्तान हमसे आके लड़े, उनको एक बहाना मिल जाए, और यही तो चाहते थे, ताकि वो इतने स्ट्रांग तो अब हो चुके थे कि इनको हरा दिया जा सकता था। उसने क्या किया, माहे को सीज कर दिया। और जब माहे को सीज किया, ठीक है, माहे को जब सीज किया, तब मैसूर का जो हैदर अली था, अब उनको नाराज हो गए इनसे, ठीक है। अब उन्होंने वॉर करना स्टार्ट किया, बट इस बार थोड़ी सी गेम में चेंजेस थी। क्या चेंजेस थी? इस बार मराठा और निजाम और मराठा जो थे वो किसका साथ दे रहे थे? टीपू सुल्तान का साथ दे रहे थे, सॉरी हैदर अली का साथ दे रहे थे, ठीक है। हैदर अली टीपू सुल्तान उसका लड़का था, हैदर अली का साथ दे रहे थे। तो ब्रिटिश ने सीज किया फ्रेंच माहे को, फ्रेंच पोर्ट माहे को, और उसके बाद ये बात बुरी लगी किसको? हैदर अली को। उन्होंने निजाम और मराठा को अपने टीम में मिला लिया, मतलब वो तो खुद ही आ गए थे, क्योंकि इसी समय ब्रिटिश ने निजाम और मराठा को भी कुछ वॉर करके हराया था, ठीक है। आंतरिक बातों से भी बुरा लग गया था मराठा और निजाम को कि ब्रिटिश ऐसा कैसे कर सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको जब मराठा और निजाम के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए कि निजाम और मराठा भी ब्रिटिश से नाराज थे, इसलिए बस इसीलिए मैंने बोला ना सिचुएशन के हिसाब से आगे मिलते थे, नाराज होने की वजह से ही इस बार उन्होंने मैसूर का साथ दिया, मैसूर में हैदर अली का साथ दिया। तो जैसे ये सीज करता है उसी समय अटैक शुरू हो जाता है, 1780 में तुरंत अटैक कर देता है कौन? हैदर अली ब्रिटिश के ऊपर, ठीक है। और इसी समय वॉरेन हेस्टिंग, जो ब्रिटिश का वॉरेन हेस्टिंग था गवर्नर, जो वॉरेन हेस्टिंग था, उसने एक जन को जनरल आयरकुट को भेजा। किसको भेजा? जनरल आयरकुट। वॉरेन हेस्टिंग उस समय का गवर्नर था, उसने वॉरेन हेस्टिंग किसको भेजा? जनरल आयरकुट को भेजा कि जाइए आप ये वॉर संभालिए, ठीक है। और जब जनरल आयरकुट आता है यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत भीषण युद्ध कर देता है वो एंग्लो मैसूर वॉर सेकेंड। और जब भीषण युद्ध करता है तो 1781 को पोर्ट नोवा पे हैदर अली को चोट लग जाती है, घायल हो जाता है वो, ठीक है। 1781 को पोर्ट नोवा पे उसको क्या हो जाता है? वो घायल हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब डेथ हो जाने के बाद, उसकी जब डेथ हो जाती है तो उसका लड़का टीपू सुल्तान, अब टीपू सुल्तान उतरते हैं मैदान में। और टीपू सुल्तान को उतरने के बाद, जब टीपू सुल्तान वहां पे उतरते हैं तो वो भी जम के वॉर करते हैं, कब तक? 1884 तक, बट कुछ फायदा नहीं निकलता, वो भी सेकेंड वॉर हार जाते हैं, थर्ड वॉर भी हार जाते हैं, फोर्थ वॉर भी हार जाते हैं, ठीक है। तो जब पोर्ट नोवा पे, आप नाम याद रखना, पोर्ट नोवा में 1781 में किसको हरा दिया गया? हैदर अली को। किसके द्वारा? जनरल आयरकुट को। जनरल आयरकुट को कौन भेजा था? वॉरेन हेस्टिंग ने भेजा था, ठीक है, उस समय का गवर्नर था। तो जब इनको हरा दिया तो 1784 तक क्या किया गया? वॉर को संभाला गया, किसके द्वारा? टीपू सुल्तान तक, बट उसने हार मान ली, वो हार चुका था, जीत तो मिली नहीं, ठीक है। और फिर लास्ट में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हो जाता है, ठीक है, मैंगलोर की ट्रीटी कर लेते हैं, किससे? ब्रिटिश से, ब्रिटिश वर्सेस अब टीपू सुल्तान आ गया आंसर में। वहां पे किसके किसके बीच में होता है? टीपू और हैदर अली के बीच में, यहाँ पे टीपू और ब्रिटिश के बीच में हुआ, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बीच में ट्रीटी हो जाती है। दिस वॉट इम्पोर्टेंट फॉर मैसूर, ये इसी का भाग था, इम्पोर्टेंट था मैसूर के लिए, क्योंकि वहीं से उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था, बहुत सारे काम होते थे। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किनके के बीच में होता है? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश। इसमें भी यही बोला जाता है कि जो भी पार्ट हमने जीता है उसको आप ले लीजिए आपका, जो भी मैंने हारा है मतलब आपने जीता है वो मुझे रिटर्न कर दो। तो ये बात यहाँ पे भी सेम होती है, ठीक है। अब इसके बाद जो पॉइंट होगा हमारा, जो युद्ध होगा, जो वॉर होगा, वो थर्ड होगा, एंग्लो मैसूर वॉर थर्ड। कब लड़ा गया था? 1809 से 1792, और फोर्थ वाला 1799। ये दोनों हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन चीजों को लिख लीजिए, बार बार रिवाइज करिए, ताकि आप लोगों को ये माइंड में सेटअप रहे हमेशा। मेमोरी ट्रेनिंग के क्लासेस तो मैं चला ही रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उनको देखिए सीरीज को, क्योंकि ये सारे वॉर जो भी है मैं वहां पे बाद में उसको कंसेप्चुअली ट्रिक से याद कराने वाला हूँ,
ठीक है। तो आप अभी ये सारी चीजें बस याद करके समझ के रखिए, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सारी चीजें आपको याद कराऊंगा, ठीक है। और अगर आप अभी तक मुझसे जुड़े नहीं हुए हो तो आप प्लीज मुझसे जुड़ जाइए, ताकि मैं कोई भी अपडेट डालू तो आप तक वो फटाक से पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप पहले व्यक्ति हो जाओ मेरे वीडियो को देखने वाले, ठीक है। तो मुझसे जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, आप तुरंत मुझसे जुड़ जाएंगे और आप मेरे इंटरेस्टिंग वीडियो को आराम से देख सकते हो, ठीक है। मैंने सीरीज में बना के डाला, हिस्ट्री कंप्लीट करने वाला हूँ मैं, ज्योग्राफी भी कंप्लीट करने वाला हूँ, ज्योग्राफी के लगभग 50% काम तो हो चुका है, हिस्ट्री में अभी स्टार्ट किया हूँ और मेमोरी ट्रेनिंग करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, मेमोरी ट्रेनिंग करके मैंने 2-3 वीडियो डाल दिए हैं, आप उनको देखिए अच्छे से, ठीक है। आप देखेंगे तो मैं इतना गारंटी ले सकता हूँ कि कोई भी चीज आपके सामने इस तरह से नहीं आएगी कि आप उनको याद नहीं कर पाओगे, आप उनको याद तो करना ही नहीं रहता, आप उनको समझना है, आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। जब मैं आपको 1 से 100 तक क्यूब बताऊंगा ना तो आपको याद नहीं करना, कुछ भी नहीं याद करना, ठीक है। 1 से 100 तक क्यूब, आप जैसे मैं रहूंगा आप भी वैसे रहेंगे, आपको भी क्यूब नहीं याद रहेगा, मुझे भी क्यूब नहीं याद रहेगा, बट दोनों जन को टेक्निक आती रहेगी, कोई भी क्यूब पूछेगा आप उसको 3 से 4 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो मैं ये सब मेमोरी ट्रेनिंग में अगले लेक्चर में बताऊंगा जब मैं उस टॉपिक पे पहुंचूंगा, अभी हम फिलहाल यहाँ पे हैं। तो आपको ये चीजें समझ गई, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एंग्लो मैसूर वॉर 3rd और एंग्लो मैसूर वॉर 4th, इन दोनों को पढ़ने के बाद हम पूरा का पूरा मैसूर किसके हाथ में दे देंगे, ब्रिटिश के, फिर हम मराठास के बारे में पढ़ेंगे और फिर सिख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।